खोज बताए राम से चल के राम पे आए प्रेम कोई हम और न जाने राम से रूठे राम से माने राम सिया की करुण कहानी एक है चंदन एक है पानी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम प्रभु लक्ष्मण हमारा कितना सेवा करता है वन से फल लाता है पहले हमें देता है उसके बाद वो खुद खाता है। हाँ तुम सत्य कह रहे हो सीते। प्रभु प्रभु वो हिरन कितना सुंदर है मुझे वो हिरन चाहिए। हाँ सीते मैं अभी लेकर आता हूँ। लक्ष्मण तुम सीता का ध्यान रखो। हाँ भैया। सीते सीते। लक्ष्मण लक्ष्मण तुमने क्या आवाज सुनी? हाँ माता। अवश्य मेरे प्रभु कोई संकट में है। माता भैया को कुछ नहीं हो सकता। जाओ लक्ष्मण जाके मेरे प्रभु का रक्षा करो। ये जरूर किसी की चाल है। जाओ लक्ष्मण माता का आज्ञा पालन करो। जी माता। जय श्री राम। माते इस रेखा से बाहर नहीं जाना। हो ये तो लक्ष्मण रेखा है। मैं तो अंदर नहीं जा सकता लेकिन सीता तो बाहर आ सकती है। अभी मैं उसे बाहर बुलाता हूँ और अपने वश में करता हूँ। दीक्षां देही दीक्षां देही दीक्षां देही। लीजिए। नहीं मैं इसे स्वीकार नहीं करता। तुम बाहर आके दो। मुझे भ्राता लक्ष्मण ने इस रेखा से बाहर जाने के लिए मना किया है। मुझे माफ कीजिए मैं बाहर नहीं आ सकती। तुमने एक साधु का अपमान किया। मैं तुम शाह। नहीं नहीं मैं बाहर रहती हूँ। मैं रावण हूँ। सुंदरी मैं रावण हूँ राक्षसों का राजा लंकाधिपति। छोड़ो छोड़ो प्रभु प्रभु मुझे बचाइए छोड़ो। मेरे साथ चलो सोने के लंका में मेरी रानी बनकर हो। रावण के पुष्पक विमान में अपहरित होती राजकुमारी सीता की पुकार भले ही राम और लक्ष्मण के कानों तक ना पहुंची पर उसकी दुहाई की गवाही देने वाला एक था। राजकुमारी सीता को बचाने महान जटायु ने रावण के षड्यंत्र के विरुद्ध उड़ान भरी। आज तक जटायु के साहस और क्रोध का सामना कोई भी नहीं कर पाया था।
और आज तक जटायु का सामना रावण से नहीं हुआ था। अन्याय के विरुद्ध लड़ाई में हारने वाला पराजित नहीं प्रेरणा बनता है। घायल अकेला जटायु ने प्रतीक्षा में अपनी अंतिम सांस को रोके रखा, सांस जो छूटी तब जब दो भाइयों की छूटी उम्मीद को फिर से सहारा मिला। इस बलिदान के आगे देवों के सर भी झुके और इस तरह अपनी मौत से जटायु ने एक बुश्ती खोज को नया जीवन दिया। खोज बताए राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पान।